मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो पटना का दशहरा देखना चाहते हैं, देश में विदेश में कहीं भी हों और वो पटना का दशहरा मिस कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और कोशिश की है कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े पंडाल हैं, बड़े बड़े अखाड़ा हैं, उनका उनकी तस्वीर आप तक पहुंचाने की। मैंने पहले भी 4-5 वीडियो अपलोड किया है, डाकबंगला चौराहे का, बोरिंग रोड का, बोरिंग कैनाल रोड का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और अभी मैं दुरुखी गली से लेकर के कदम कुआं चौराहा तक जितने भी अखाड़ा, जितना भी अखाड़ा बीच में पड़ रहा है, उसका वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए वो वीडियो।
दशहरा के मौके पर अद्भुत नज़ारा पटना के सड़कों पे देखने को मिलता है, गलियों पे, चौराहों पर देखने को मिलता है। एक जन सैलाब उमड़ पाता है माँ के दर्शन के लिए। सप्तमी से ये सिलसिला चलता है नौमी तक, और दसवीं को जब गांधी मैदान में लंका दहन होता है तब वहाँ का नज़ारा भी देखने लायक होता है। उसकी तस्वीर मैं नहीं बना पाया हूँ। और इस मेले में जो मुझे देखने को मिला, वो देखने को यही मिला कि लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ माँ के दर्शन करने के लिए आए थे, पंडाल की भव्यता देखने के लिए आए थे। और पूरा शहर रात में चला जा रहा था, एक धारा की तरह बहा जा रहा था। और ये नज़ारा काफ़ी अच्छा था। फुचका के दुकान पे, चाट के दुकान पे, चाउमीन के दुकान पे भीड़ था। बच्चों के लिए तो समझो कि एक एक अलग ही माहौल था उनके लिए आनंद का। वो कहीं पे खेल रहे थे, कहीं पे झूला झूल रहे थे, तो कहीं पे कुछ कर रहे थे। उनके लिए तो लॉटरी निकल गई थी। तो ये पटना का दशहरा काफ़ी अच्छा रहा, और मैंने कोशिश की तस्वीर आप तक पहुंचाने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट बिहार के बारे में आपको मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्र सेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।